राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है, जो अध्यक्ष जी ने भी इतना प्रचार प्रसार किया हमारी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सिद्धांतों का, फैसलों का, जेल में बैठ गया है। हालांकि ईडी पहुंची के घर पे है, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज़्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं CBI, इनकम टैक्स, ED, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज़्यादा घूम रही ED देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहाँ पर, वो कहे कुत्तों से ज़्यादा घूम रही ED घर घर के अंदर देश के अंदर, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है, आज इस देश के हम नागरिक हैं, 70 साल इस कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, मैं देश को एक अखंड रखा है, बांग्लादेश बना दिया, दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का, इनको शर्म नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास में उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो, आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कॉमेंट करना, अब फोर्सेस क्यों किया गया होगा, साल भर से वहाँ मकान किराए पर ले रखे, मैंने सुना है परिवार शिफ्ट हो गए वहाँ पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, क्या करेगा मुख्यमंत्री, क्या करेगा मुख्यमंत्री, क्या हो रहा है देश के अंदर। इसलिए हम कहें लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, आपके इशारे पर ED इनकम टैक्स CBI नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर CBI से, डायरेक्टर ED से, चेयरमैन CBDT से, मैं आऊँ आपके बारे में, एक नागरिक भी हूँ, मुख्यमंत्री हूँ चुनावा, बताऊँ मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको, हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका।